जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर वन का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। ये थी अब्दुल कलाम ने वहां एक सेल बनाई थी राष्ट्रपति भवन में। तो देखिए, पढ़ाई का इससे कोई वो नहीं है। हिंदू भी पढ़ लिख के, अब कौन सी हमारी डॉक्टर साहब कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये जागरूक हिंदू है, हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। ऐसे मुसलमान जिहादी तो जितना बड़ा ज्यादा पढ़ लेगा उतना बड़ा जिहादी होगा। तो ये जितना काबिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के होते हैं, तभी तो आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में छा गए, पूरी दुनिया में जिहाद छा गया। आज अमेरिका में एक भी मुसलमान बिना नंगी तलाशी के घुस नहीं सकता। ये इन्हीं एएमयू वालों की तो मेहरबानी है, दारुल उलूम देवबंद और एएमयू वालों की तो मेहरबानी है। आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान की दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं है, उसके लिए सबसे बड़े तो भारत के फंडामेंटलिस्ट जिम्मेदार हैं। अभी कल ही का जो एक यूट्यूब पर बड़ा वीडियो आ रहा है उस लड़की का, कि किस तरह से उसकी तलाशी ली गई अमेरिका में, केवल इसलिए कि वो मुसलमान थी, वो देन ही एएमयू और दारुल उलूम देवबंद की है। तो देखिए, पढ़ाई का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जो अनपढ़ मुसलमान है वो पत्थर मारता है, पत्थर मार के जिहाद करता है, और जो पढ़ा लिखा मुसलमान है जो मैसाचुसेट्स में पढ़ता है, वो जो है हवाई जहाज को वर्ल्ड ट्रेड टावर से टकरा देता है। तो मुसलमान जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना बड़ा जिहादी होगा। इसका इसका मतलब जिहाद और पढ़ाई का आप क्या वो है, जितना बड़ा पढ़ा लिखा उतने वो काबिल जिहादी होगा। अब्दुल कलाम का जिक्र किया और उनका और क्या लिंक होता? देखिए, आप अभी गूगल पे ढूंढिए अब्दुल कलाम और अफजल गुरु का जो है संबंध, गूगल पे ढूंढिए, तब आपको समझ में आना शुरू होगा। उसके बाद फिर आप रिसर्च करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। पाकिस्तान से लिंक की बात की आपने। देखिए, ये एक बहुत वैसा मैथ वो है, और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी आप सर्च करिए ना। आप सर्च करेंगे तो आपको सच का पता चलेगा कि कितने वैज्ञानिकों की हत्या हुई जब अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति था और डीआरडीओ का चीफ था। कितने हिंदू वैज्ञानिक मारे गए और उनकी क्या कैसे कैसे मारे गए, जब ये आप सर्च करेंगे ना, तब आपको बहुत सारी ऐसी सच्चाई पता चलेंगी जिन्हें मैं कहना नहीं चाहता। अच्छा भाई, जो अलीगढ़ के सांसद हैं जी, बीजेपी से, वो अक्सर करके लेटर लिखते हैं। देखिए, ये बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इनकी औकात आजकल केवल बस ये लेटर लिखने की तो रह गई है, लेटर लिखने की और मुद्दा उठाने की। बीजेपी कोई भी ऐसा मुद्दा, अगर आप राम जन्मभूमि को, तो बीजेपी ने एक धर्मनिरपेक्ष का केंद्र बना दिया है, और धारा 370 में कितने ब्राह्मण जाके बसा दिए हैं वो आप लोग जानते होंगे। ये दो ही बातें कहते हैं कि हमने ये दो बहुत बड़े तोप चला दिए, लेकिन इसके सिवा हिंदुत्व को जरा सा भी फायदा बाल बराबर भी बीजेपी के किसी नेता ने पहुंचाया हो, आपको पता चले तो मुझे जरूर बता देना। जैसे लेटर की बात हो रही थी, लेटर उन्होंने कई बार लिखे, तो लेटरों से क्या होता है? जिन्ना की तस्वीर को लेकर देखो, जिससे लेटर से क्या, वो जाके हटा दे, वो तो बाहुबली है, जाके हटा देना, वो यहाँ के सांसद है, उन्हें धर्म के लिए कुछ करना चाहिए। लेटरबाजी कब तक चलती रहेगी? और ये देखिए, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। मुसलमानों की बढ़ती हुई भयावह आबादी, एक तो आबादी, और ये जो भयावह आबादी बढ़ रही है ना मुसलमानों की, इन्होंने भारत के भविष्य को अंधकार में कर दिया है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, और भारत का प्रधानमंत्री एक बार मुसलमान हुआ तो ये तो लेटर भी नहीं लिखेंगे। तो जब तक ये अपना शौक पूरा कर रहे हैं लेटर लिखने का, तो उन्हें करने दीजिए, उसमें हमारा क्या जा रहा है? वो लेटर, वो अपने समर्थकों को मैसेज दे रहे हैं कि देखो हमने लेटर लिखा, कुछ हुआ नहीं। सरकार उनकी, मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, केंद्रीय गृह मंत्री उनका, राष्ट्रपति उनका, फिर भी लेटर लिखे जा रहे हैं। अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार होती और किसी हिंदू के मारना होता तो कत्ल करवा चुके होते। आप कह रहे 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, ये तय है। देखिए, डाटा जो हमसे छिपाया गया, आज स्थिति यह है कि आप कहीं भी जाकर सर्वे करवा लो, हिंदुओं के पास केवल मकान रह गए हैं, मकान में रहने वाला कोई नहीं रहा, किसी पॉश कॉलोनी में चले जाओ, गांव में चले जाओ, हिंदुओं के घर खाली हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के घरों में रहने के लिए अब जगह नहीं है, वो शिफ्टों में सोते हैं। मुसलमानों में 10 साल से छोटे बच्चे हिंदुओं से डेढ़ गुने हो चुके हैं, और ये डाटा आपके सामने आएगा। सरकारों ने अभी तक केवल हिंदुओं से सच को छुपाया है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। हमारी सरकार से केवल आज तक एक ही मांग रही थी, पहले थी, वो आज नहीं है। मांग ये थी कि सरकार एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाए, बहुत कठोर कानून, वो सरकारों ने बनाया नहीं, और अब बनाने से उसका फायदा नहीं, अब कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 2029 में तो भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा ही, और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं रह जाएगा। फिर लिख के रखिए ये, मैं तो उस दिन तक नहीं रहूंगा, मुझे तो ये जिहादी मार ही देंगे, लेकिन आप लोग देखेंगे अपनी आंखों से कि ये एक अफगानिस्तान बन जाएगा, जहां केवल लोगों की सड़ी गली लाशें, बदबूदार लाशें इधर उधर पड़ी होंगी,
टूटी फूटी बिल्डिंगें होंगी, सारी यूनिवर्सिटी डैमेज हो जाएंगी, सब लोग कत्ल कर दिए जाएंगे, और इतना बुरा हाल यहाँ का होगा जैसा सीरिया का हुआ, लेबनान का हुआ, इराक का हुआ, वही भारत का हाल कर देंगे ये इस्लाम के जिहादी। युवक की हत्या के बाद तो वहां एक बेटी की और हत्या हो गई, और कल एक बेटी का किडनैप हो गया, कल गढ़मुक्तेश्वर में एक बेटी के ऊपर तेजाब फेंक दिया। रोज घटनाएं हो रही हैं, एक रिंकू की बात नहीं है, रोज घटनाएं हो रही हैं। रिंकू से पहले भी बहुत लोग मारे जा चुके हैं दिल्ली में, और इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। ये हमारे समाज की नपुंसकता कायरता का प्रतीक है, जिसके कारण मुस्लिम समाज का हौसला बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो हमारे लोगों का दिन दहाड़े कत्ल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब सरकार बीजेपी के होने के बावजूद भी इस तरह की घटना सामने आना, देखिए सरकार बीजेपी की सरकार कैसी सरकार है? बीजेपी की सरकार तो वैसी सरकार है जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अंतर क्या है? मुझे तो कोई अंतर अभी तक दिखाई नहीं दिया है। क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं आपके साथ? क्राइम का देखिए